नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में गोली मार के हत्या कर दी गई और हत्या के कुछ घंटों के बाद शूटिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली, जिसने दावा किया कि उसने बिश्नोई के साथ मिलकर के हत्या की साजिश रची। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई गैंग ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुखा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मार के हत्या कर दी गई और हत्या के कुछ घंटों के बाद बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। और अब बीती रात 12 अक्टूबर 2024 एक बार फिर हाई प्रोफाइल नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और इसकी जिम्मेदारी फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल के हत्या का दावा किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसके इस नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती सेंट्रल जेल के उच्च सुरक्षा वाले वॉल्ट में बंद है। फिर कैसे वो अपने इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, आखिर कौन सा उसके पास संचार का माध्यम है जो इतनी आसानी से उसके गैंग के लोग एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं? क्या उनके ना रहने पर इस गैंग को कोई और ऑपरेट कर रहा है या फिर कोई और खेल है? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो इस तरह के सवाल और खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिश्नोई गैंग का अब कौन है जो गॉडफादर बना हुआ है। मूसेवाला के बाद बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के रूप में सबसे बड़ा कांड कर दिया है, जिसके बाद से मुंबई की बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड सहमा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब मुंबई में किसी की भी हिम्मत नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई के मांगने पर एक्सटॉर्शन देने से मना कर पाए। इन सबके बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के सबसे करीबी दोस्त में से थे। कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने की राह पर है। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जेल की सलाखें जो है उसके शातिर इरादों को कैद पाने में जो है नाकाम हो जाती हैं। वो जेल में बैठकर साजिश रचता है, बाहर उसके गुर्गे उसे साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं। इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं, उसके इशारे पर किसी भी संगीन से संगीन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां बीती रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार के हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं और पहले ही कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की गिनती जो है वो महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में होती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में गुजारी, लगभग 48 साल कांग्रेस में रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस छोड़कर के एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में 2 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में, खास करके मुंबई शहर में, बाबा सिद्दीकी की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। साथ ही बॉलीवुड के गलियारों में भी बाबा सिद्दीकी का एक अलग दबदबा है। उनकी इफ्तार पार्टियां दुनिया भर में फेमस हैं, जिसमें कि हर बड़ा स्टार शामिल होता है। ऐसे में अब विपक्षी दल इस मामले को लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने में लगे हैं। अहम बात यह है कि बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था, लेकिन उन्हें पहचान जो है वो मुंबई में मिली। बाबा सिद्दीकी ने 1977 में छात्र नेता के रूप में कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो बीएमसी के लिए कॉरपोरेटर चुने गए थे। इसके बाद 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रह चुके। 2004 में उन्हें मंत्री बनाया गया। बाबा सिद्दीकी के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही उनकी मौत की खबर बिग बॉस की शूटिंग कर रहे सलमान खान को मिली, वो तुरंत शूटिंग छोड़कर के लीलावती अस्पताल पहुंच गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट की माने तो उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी इस घातक हमले के निशाने पर थे। सूत्र बताते हैं कि हमलावरों को दुर्गा विसर्जन की भीड़ में खुद को छिपाने का निर्देश दिया गया था, ताकि वे भीड़ का फायदा उठाकर दोनों बाप बेटे पर हमला कर सकें। हमलावरों ने पटाखों के शोर और भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए करीब से फायरिंग करने की योजना बनाई थी। उनके पास अतिरिक्त मैगजीन भी थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि हमले का पैमान और बड़ा हो सकता था और जीशान भी उनके निशाने पर थे। मुंबई में उत्तर भारतीयों का बोलबाला है, यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं।
सबसे अहम बात है कि यूपी और बिहार से बड़ी संख्या में मुसलमान भी बांद्रा और आसपास के इलाकों में रहते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ही बाबा सिद्दीकी को रियासत में बड़ा नाम हासिल करने में मदद की। बाबा सिद्दीकी की उत्तर भारतीय मुसलमानों के बीच अच्छी पकड़ है। इसका फायदा केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके दल को मिलता है। बाबा 48 साल तक कांग्रेस में रहे और अब अजित पवार के एनसीपी में थे। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन अब फरवरी 2024 में बाबा ने एनसीपी ज्वाइन की थी। तब उसके बाद अगस्त 2024 में कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मुंबई की राजनीति में उत्तर भारतीय मुस्लिमों का दबदबा माना जाता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 10 मुस्लिम विधायक जीते थे, जिनमें से 6 विधायक मुंबई इलाके से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई में कल मुस्लिमों में उत्तर भारतीय मुसलमान की आबादी करीब 70% है। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट, बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट, अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है और यहां पर मुस्लिम उत्तर भारतीय नेताओं का दबदबा चलता है। अणुशक्ति नगर सीट से विधायक नवाब मलिक हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से विधायक अबू आसिम आजमी हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के इतने करीब आने पर इतने बड़े मुस्लिम नेता की हत्या से मुंबई दहल गई है। लोग इस चुनाव से भी इसको जोड़ करके देख रहे हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम नेताओं में इतनी मजबूत पकड़ रखने वाले नेता की हत्या से विधानसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। विपक्ष इस हत्या को लेकर के सरकार पर हमलावर है। वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को और उसकी मंशा को कटघरे में खड़ा कर रही है कि इतने बड़े नेता को सरेआम इस तरह से हत्या, वो भी बीच शहर में होना इस बात का संकेत है कि दशहरे के दिन जिस दिन बड़ी संख्या में लोग शाम के समय पर सड़क पर और मेले में होते हैं, उस दिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना सरकार की कानून व्यवस्था पर एक तगड़ा तमाचा है। जिस व्यक्ति को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान है, अगर सरकार में वो सुरक्षित नहीं तो समझिए वहां की आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। विपक्ष के नेताओं ने अब इस मामले पर जमकर सरकार को घेरा है और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो पोस्ट किया है उसके दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पुलिस जांच कर रही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।